तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने व्लॉग सूरी कोटा व्लॉग में। और मैं आज आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग लेके आया हूँ। बहुत दिनों से व्लॉग बनाने की कोशिश चल रही थी लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। उसका रीज़न है दोस्तों, लाइफ में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ चलती रहती है। तो अपनी लाइफ में भी ऐसी गड़बड़ हुई कि सब गड़बड़ हो गया, लेकिन अभी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़े हैं सब। तो गाइस, व्लॉग में आज आपके लिए लेके आया हूँ वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज जो मैंने व्लॉग शूट किया है वो मैंने अपनी बैकग्राउंड वॉइस में शूट किया है। वीडियो जो चल रहा है उससे मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल मैच नहीं खाएगा क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया है, थोड़ा कॉमेडी टाइप बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे व्लॉग सभी लोग देखते हैं तो मैं अपने व्लॉगों को वैसा ही रखूँ। शॉर्ट व्लॉग बनाने की मेरी इच्छा थी पर मैं नहीं बना पाया और ना ही मैं बनाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ रियल लाइफ व्लॉग दिखाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने आज बैकग्राउंड म्यूजिक में अपनी वॉइस दी है। तो गाइज ऐसा है, अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे छुट्टी थी और सभी लोग हमारे घर पे आए हुए थे और आपको पता ही है मेरे घर पे स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, तो उन लोगों का खाना आज मेरी तरफ से ही था। तो उन लोगों की ख्वाहिश थी कि भैया आज हमें दाल चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खिलाएं, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मेरे यहाँ मेस भी चलता है बच्चों का, तो उसका खाना हलवाई बनाता है। तो हलवाई की थी छुट्टी और बाकी मेस ऑफ था, सब लोग छुट्टी पे गए हुए थे, तो इसीलिए मैंने खुद बनाने का डिसीजन लिया और बहुत ही शानदार दाल चावल की खिचड़ी बनाई, एक नंबर। और खिचड़ी आप देख ही रहे हैं खिचड़ी कैसी बनी है। उसके बाद मैंने सब बच्चों को बुलाया और सबको खिचड़ी खिलाई। आप यहाँ पर कुछ बच्चे देख रहे हैं, बाकी सब कोचिंग गए हुए हैं, तो मैंने कुछ बच्चों को खिचड़ी खिलाई, उनसे पूछा कैसी लगी, तो खिचड़ी उनको ज़बरदस्त लगी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम हुआ कि अब हम बाहर घूमने जाएंगे, तो मैं अपनी गाड़ी उठाकर निकल पड़ा KS स्टार व्लॉग यानी कि करतार के घर पे। करतार के घर पे जाने के लिए लिखित में और मेरी पूरी फैमिली तैयार हो गई, हम निकल पड़े करतार के घर पे। करतार के घर पे जाने से पहले रास्ते में हमें मिला बांके बिहारी जी का मंदिर। मंदिर पे गए, बाहर खड़ी थी गायें और वहाँ ही लगा हुआ था चारे वाले का ठेला। तो हम लोग चारे वाले के ठेले पे पहुँच कर चारा डाला गायों को। गायों को चारा डालने के बाद हम फिर से गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़े करतार की तरफ। क्योंकि मेरे घर से रहता है 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो थोड़ा है सिटी के बाहर का एरिया। तो हम पहुँच गए करतार के घर पर। करतार के घर पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें यहाँ से भी कहीं बाहर घूमने चलना चाहिए, सबकी छुट्टी है। तो हम लोग वहाँ से डिसीजन लेकर चाय पीकर निकल चले घूमने के लिए पूरी फैमिली के साथ। उसमें करतार की फैमिली और मेरी फैमिली इंक्लूड थी, साथ में मेरी सिस्टर थी और हमारे बहनोई भी थे। कोटा से 15 से 20 किलोमीटर दूर नारसिंह जो माता जी है वो है, नेशनल जो अपना मुकुंदरा पार्क है उसके बीच में है और बहुत ही अच्छा स्थान है। तो हम करतार के घर से निकल पड़े। जैसे ही हम करतार के घर से निकल पड़े मिस्टेक से हम गलत रास्ते चले गए और वहाँ मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। और जैसे ही मेरी गाड़ी कीचड़ में फंसी तो करतार और बाकी सब लोगों ने मिलकर हमने उस गाड़ी को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद करतार ने जो बोला आप सुन सकते हैं किसने क्या बोला। उसके बाद गाड़ी निकाल कर हम सीधे रास्ते से वापस हाईवे से आए। और आप देखिए, जब हम वापस से लगे जंगल के रास्ते जो कि रास्ता जाता है नारसिंह माता जी बीच जंगलों के बीच में से, तो बहुत ही प्यारे और सुंदर गांव हमें देखने को मिले। बहुत ही प्यारे और सुंदर गांव हमें देखने को मिले, छोटे छोटे घर और गांव। बीच में मिले हमें जानवरों के झुंड जो कि गांव से शाम के टाइम अपने घरों की ओर जाते हैं। गांव और जंगल का जो तालमेल था वो इतना प्यारा था कि मानो जैसे प्रकृति ने लोगों को अपनी गोद के बीच में बिठा रखा हो। और घर तो इतने ही सुंदर थे गजब के, और गाय भैंसे जो सड़कों से घर की ओर जा रही थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर हमें अचानक से ऐसा फील हुआ कि जो जंगल हैं वो एकदम खुले खुले हो गए हैं और घने हो गए हैं, और पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आप जैसे अमेजोन के जंगलों में आ गए हों, या मानो आप गहरे घने जंगल में आ गए हों। हालांकि जंगल तो है ही सही, नेशनल पार्क है ही सही वो,
पहुंचने लगे तो हमें जो है वो दिखने लगे लंगूर, काले लंगूर। आप जानते ही हो, जहां भी मंदिर होगा हनुमान जी का या माता रानी का, वहां पर जंगलों के बीच में लंगूर तो आपको दिख ही जाएंगे। लंगूरों को देखकर हम आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर में वन विभाग की चौकी आई, जिसके बाहर हमें गाड़ियां पार्क करनी थी। हम वन विभाग की चौकी के बाहर गाड़ियां पार्क करके सारी फैमिली के साथ निकल पड़े जंगल के बीच में बसी माता रानी के दर्शन करने के लिए पैदल पैदल। सारी फैमिली मस्ती करते हुए, छोटे बच्चों के साथ में भी मस्ती करते हुए, हम लोग जंगल के रास्ते से माता रानी के दर्शन करने के लिए नीचे की ओर चल पड़े। तभी अचानक से मैंने देखा एक तेंदू का जो है, तेंदू के जो फल होते हैं वो जंगलों में पाए जाते हैं और उन्हें बंदर बड़े चाव से खाते हैं और इंसान भी उन लोगों को खाते हैं। और तेंदू पत्ते की आप जानते ही हो बीड़ी बनती है, तो जो तेंदू पत्ते की बीड़ी बनती है उसके जो फल होते हैं बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो अभी था जनवरी का महीना और अभी गर्मी इतनी हुई नहीं थी, बाकी फल आने लग गए थे, हल्के हल्के पीले हो गए थे। तो मैंने भी उस पेड़ के नीचे से जाकर एक फल उठाकर खाया। फल खाने के बाद जो मेरे मुंह का स्वाद हुआ, मानो जैसे मुंह में कुछ अजीब सा कोई इतना फीका और एकदम से कटीला स्वाद था उसका कि मेरे पूरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। पानी की प्यास लगी हुई थी लेकिन हमारे पास संयोग से बोतल वगैरह कुछ थी नहीं, तो जैसे तैसे मंदिर तक पहुंचना था हम लोगों को, तो मैं उस सड़े से मुँह को लेकर निकल पड़ा आगे की ओर। उसके बाद हम लोग चलते हुए मस्ती करते हुए चल रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को। फैमिली के साथ में नाचते गाते मस्ती करते झूमते हुए हम लोग चल रहे थे और बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां लगने के बाद काफ़ी दिनों के बाद घूमना हुआ था। तो हम लोग निकल पड़े थे, बीच में हमने देखा कि कई अच्छी अच्छी जगह है जहां पर हम फोटो सेशन कर सकते हैं, वहां हमने फ़ोटो सेशन भी किया। कई जगह लोगों ने घर बना रखे थे, जो कि हमारे भारत देश में लोगों की आदत होती है कि मंदिर देखते हैं वहाँ पर घर बनाते हैं कि भगवान ऐसा अगर हमें भी दे। तो हमारे बच्चे भी लग गए घर वर बनाने में और बीच में इतनी शानदार कराहियाँ थी, कराहियों के ऊपर जो पेड़ उगे थे उनसे सट सट कर हम लोगों ने फ़ोटो खींचना और खिंचाना शुरू कर दिया। हम भी अलग अलग पोज दे देकर फ़ोटो खींचने लगे और थोड़ी मस्ती चढ़ी हुई थी दिमाग में तो खूब मस्ती करने लगे। खूब सारी मस्ती करने के बीच में हम लोगों ने उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते हुए हम सीढ़ियाँ उतर कर, सीढ़ियाँ ऐसी है नहीं एकदम ढलान सी सीढ़ियाँ हैं, तीन सीढ़ी है फिर लंबा रोप है, तीन सीढ़ी है फिर लंबा रोप है, इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, कोई भी आदमी आराम से जा सकता है, छोटे बच्चे भी जा सकते हैं। तो हम लोग सीढ़ियाँ उतर के हम पहुँचे माता रानी के दरबार में और माता रानी के दरबार का जो नज़ारा था बहुत ही मनमोहक नज़ारा था। हरे भरे जंगलों के बीच में माता रानी इस तरीके से बैठी हुई है और मूर्ति तो आपको क्या ही बताएं, साक्षात बहुत ही ज़बरदस्त मूर्ति थी। हम यहाँ पर बरसात के टाइम पे आए थे, तब हम लोग यहाँ पर खूब नहाए थे, नीचे एक नाला बहता है उसमें उसमें जंगल का प्राकृतिक पानी आता है और खूब पब्लिक आती है बरसात के टाइम पर यहाँ पर, और नवरात्रि में मेला भी लगता है यहाँ पर। तो हम लोग आए थे तो हम लोग यहाँ नहाए भी थे, हमने खूब इंजॉय किया था। तो फाइनली हम माता रानी के मंदिर पे पहुंच चुके हैं और दर्शन में आपको करवा देता हूं मंदिर के। फाइनली मंदिर पे पहुंचने के बाद मंदिर के अंदर से मैं आपको माता रानी के दर्शन करवाता हूं। प्रकृति की पूर्ण रूप से प्रकृति के बीच में छोटा सा मंदिर माता रानी का, और जो मंदिर है माता रानी का बहुत ही शानदार बना हुआ है। मूर्त है माता रानी की, वो भी बहुत ही विशाल और शानदार मूर्त है। फिर उसके बारे में हमने पंडित जी से जानकारी ली। पंडित जी से जानकारी मैंने मंदिर के बारे में पूछा कि मंदिर कब का है, कैसे है, क्या है। तो जानकारी जो मैंने पंडित जी से ली वो आपको मैं सुनाई देता हूँ। लेकिन तो भैया मंदिर कब से है, क्या है? भैया माता जी तुम बोलती तो बहुत टाइम की लगी है। अच्छा, मानो दादा माँ दादा हुआ करते थे। अच्छा, कुछ जमाने पेड़े या बेले आए
अच्छा, मतलब सिर्फ मुंह मुंह दिखता था, बाकी शरीर पूरा जमीन में था। अच्छा, पेड़ पौधे और ऐसे हुआ। पंडित जी की भाषा को ट्रांसफर किया अपनी लैंग्वेज में और मैंने थोड़ा सा आप लोगों को अपनी भाषा में बताया। हालांकि मैं यहाँ पर पंडित जी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर मुझे भी नहीं पता था, मैं भी एकदम से शॉक हो गया जब मैंने पंडित जी से मंदिर के बारे में पूछा और मुझे बाद में पता चला कि पंडित जी जो है लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद में मैंने अपने ही तरीके से आप लोगों को मंदिर के बारे में समझाया। मंदिर के जस्ट पीछे एक प्राकृतिक झरना बहता है। जो झरना है मंदिर के पीछे वो बहुत ही शानदार है, बारिश के दिनों में वो बहुत ही तगड़े तरीके से बहता है। और अभी फ़िलहाल जो पीने का पानी है वो उसी झरने से आता है, उसमें एक पाइप लगा रखा है। तो हम सब भी चल निकल पड़े झरने की तरफ और झरने का, और बच्चे जो है वो आप देख ही रहे हो झरने का पानी पीने में आनंद आ रहा है और मज़े ले रहे हैं झरने का पानी। और बिल्कुल ठंडा प्राकृतिक पानी, शुद्ध तरीके से फिल्टर हुआ पानी था। वहाँ पर मंदिर की तरफ से व्यवस्था थी कि जो पानी आ रहा है वो आप देखेंगे कि एकदम झरने का शुद्ध पानी आ रहा है। सभी लोग पानी पीने के बाद बच्चे वगैरह फोटो सेशन में लग गए वापस से और मस्ती करने लग गए बच्चे फिर से। मुझे भी पानी की बहुत तगड़ी प्यास लगी हुई थी तो मैं भी पानी पीने चला गया, लेकिन मेरी तभी नज़र पड़ी कि आप देखिए सामने जो पत्थर हैं वो किस तरीके से जमे हुए हैं। आप जैसे देखेंगे कि हलवाई की दुकान पर साफ़ सुथरे तरीके से जो मिठाइयाँ रखी हुई होती है उसी तरीके से वो चट्टानें कटी हुई थी। ऐसा लग रहा है मानव ने जैसे इन चट्टानों को काट कर और इनको अच्छे से जमाया हो। लेकिन तभी मैंने देखा कि लिखित को आप देख ही सकते हैं कहाँ चढ़ चुका है, वो देखिए आप, वो चढ़ चुका है चट्टानों के ऊपर फोटो सेशन के लिए। तो मैंने उसको डांट के नीचे उतारा क्योंकि हो सकता है ऊपर से कोई पत्थर फिसल जाए, गिर जाए और किसी को चोट लग जाए। हम वहाँ से कोटा, हम शहर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर हैं, तो अगर इस समय किसी को चोट लगती है तो हमारे पास कोई वो है ही नहीं। उसके बाद लिखित को डांटने के बाद देखा आपने करतार किस तरीके से पानी पी रहा है। करतार को पानी पीने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई मुझे भी प्यास लगी हुई है। उसके बाद मेरे अंदर भी खुरापात लगी और मैं भी चढ़ गया चट्टानों पे। हाँ, बच्चों को डांट सकते पर हमें डांटने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं भी खुरापाती दिमाग लेकर चढ़ गया चट्टानों के ऊपर। आप जो देख रहे हैं सामने वहाँ लिख रहा है झरने के पास ध्यान से जाएं वरना गिर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने पे लगा कि मरने के पास ध्यान से जाएं वरना गिर सकते हैं। मैं भी अपने थोड़े से पोज देकर, अपने आदि मानव जैसे पोज देकर फोटो खिंचवा कर मैं वापस ऊपर आया क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि ऊपर से कोई अगर पत्थर फिसल गया तो चोट लग सकती है। करने में मगन हो गए और यहाँ देखिए ये बागड़ बिल्ले दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और तभी हमें लगा कि हमें कुछ कॉमेडी वीडियो बनाने चाहिए, तो हम लग गए वीडियो बनाने में। यहाँ पर हमने एक छोटी सी रील बनाई। रील बनाने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े मंदिर की तरफ। मंदिर में माता के दर्शन करके फाइनली दोबारा हम निकल पड़े वापस अपनी गाड़ी की तरफ। और गाड़ी की तरफ जाने से पहले हमने फिर एक और रील बनाई। रील में हमने करतार के साथ थोड़ी मस्ती करी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े वापस ऊपर की ओर। ऊपर चलते हुए हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। जंगल के रास्ते से ऊपर आने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा था। सारी फैमिली हमारे साथ चल रही और ऊपर आते टाइम मेरे दिमाग में फिर से खुरापात मची और मैं फिर से चलने लगा उन्हीं गहरी खाइयों और जंगलों की तरफ। पेड़ पौधों के नीचे से घुसता हुआ आदि मानव सी आदतें लेकर मैं निकल पड़ा उन जंगलों की तरफ और मेरे पीछे से चल रहा था लिखित, मेरा कैमरामैन बनकर। हम लोग जा ही रहे थे तो हमें लगा कि यार झरने झरने तो सूखे पड़े हैं क्योंकि बरसात में ही झरने चलते हैं, तो अभी तो कुछ पानी वगैरह की व्यवस्था है नहीं, तो सोचा कि चलो खाली झरने पे ही कुछ मस्ती की जाए। तभी मुझे लगा कि एक चट्टान ऐसी है जो गिरने के लिए बेताब हो रही है। मैंने सोचा क्यों ना इसे नीचे गिराकर इसका काम पूरा कर दिया जाए। मैं उसे धक्का मारने के लिए निकल पड़ा, लेकिन तभी मुझे लगा कि मैं कितना भी धक्का मार लूँ ये नीचे जाने वाली नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़कर वापस चल दिया। जैसे ही मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ा मुझे अचानक से मोगली का हथियार मिला। वही मोगली जिसको हम बचपन में जंगल जंगल बात चलिए पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए वाला मोगली, उसका हथियार देखकर मेरे मन में भी खुरापात आई कि मुझे भी जंगल से कुछ फल फ्रूट तोड़ने चाहिए। और जैसे ही मैंने हथियार फेंका तो पता चला कि यार ये हथियार मोगली का नहीं, ये तो मेरा ही बनाया हुआ हथियार है और उस हथियार से कुछ नहीं होने वाला। मैंने भाग कर वापस से हथियार उठाया क्योंकि मेरी शक्ति उस हथियार में बसी हुई थी। आगे जाके मैंने फिर से हथियार उठाया, तभी मैंने देखा कि यार
धनुष बाण बनाने के लिए यहाँ पर तो पूरे बांस के डंडे उपलब्ध हैं, तो मैंने बांस तोड़ा और धनुष बाण बनाने की तैयारी करी, लेकिन मुझे लगा कि यह सब मुझसे नहीं होने वाला, तो मैंने चुपचाप से वापस अपना मोगली वाला हथियार उठाया और निकल पड़ा वापस घर की तरफ। जैसे ही मैं जंगलों और पहाड़ों को रौंदता खोदता और झाड़ों में से फंसता फंसाता बाहर निकला, तो सामने मैंने देखा कि जंगल के बाकी आदिवासी भी जंगल में से निकलकर बाहर आ चुके हैं। बाकी आदिवासियों को देखकर मेरे मन में आया कि ये क्यों मेरी ट्राइब पे कब्जा करने आए हैं, और मुझे लगा कि ये मेरे जंगल को तबाह करने आए होंगे तो मैं इनके पीछे हथियार लेकर पड़ जाऊंगा। तभी एक लड़की आई और मुझसे बातें करने लगी। वो बोलने लगी कि हमें आपका हथियार अच्छा लगा, आप ये हथियार चलाना हमें भी सिखाइए। तभी मैंने उस लड़की को बताया कि देखो सामने और सूखे पेड़ से मैं फल तोड़ के बताता हूँ। मैंने हथियार फेंका और उसमें से एक भी फल नहीं गिरा तो मेरा तो पोपट हो गया। उसके बाद मैंने फिर से वो लड़की ने हथियार उठाकर मुझे दिया। हथियार उठाकर मेरे हाथ में वापस हथियार आने के बाद मैंने फिर से चलाया सूरज की तरफ और मैंने देखा कि मेरा हथियार वापस ही नहीं आया। मुझे लगता है ये मोगली वाला हथियार नहीं जुमानजी वाला हथियार था। मैं उसको वहीं छोड़कर बाकी आदिवासियों के साथ मस्ती मजाक शुरू मैंने कर दी। तभी मुझे लगा कि यार ये आदिवासी लोग तो अफ्रीका के जंगलों से आए हुए हैं, तो अफ्रीका के जंगलों के आदिवासियों के लोगों के पास में तो गन होती है। तो मैंने उसी टाइम अपने हाथ में एक गन बनाई और उन लोगों को भूनने की शुरुआत कर दी, लेकिन मुझे बाद में इन लोगों को पता चला कि वो सब नकली है, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर बरसाने ये कोशिश कर रहा था तभी इन्होंने उस लड़की का खोपड़ा फोड़ दिया जो इनकी ट्राइब की थी, जो इनके आदिवासी क्षेत्र में रहती थी। उसका खोपड़ा फोड़ने के बाद यहाँ से ये एक आदिवासी बच्चा निकलकर बाजार चला गया और सीधा जंगल से निकली हुई जंगली खाद को बेचने लगा, जिसे वही लड़की खरीदने आई जिसका ये खोपड़ा ऑलरेडी फोड़ चुका था। इसने बोला कि अगर तूने खाद नहीं खरीदा तो मैं इस बार तेरा खोपड़ा नहीं, तेरे ऊपर पूरी चट्टान ही पटक दूंगा। उसके बाद यहाँ से ख़रीदारी करने के बाद हम लोग निकल चुके घर की तरफ। थोड़ी देर बाद हमारे बाकी लोग भी आ चुके थे और हम अपने रथ पर सवार होकर वापस अपने धाम की ओर आ चुके थे। तो आज का व्लॉग ये था गाइस, जो मैंने थोड़ा फनी कॉमेडी और अलग तरीके से बनाया। आपको मेरी बैकग्राउंड वॉइस में मेरा व्लॉग कैसा लगा ये मुझे आप बताएंगे। व्लॉग अच्छा हो लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर व्लॉग अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट करके बताएं, तो मैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ में जैसे मेरे पुराने व्लॉग रिकॉर्ड है मैं वैसे रिकॉर्ड करूँगा। और आपको लगा कि मैंने थोड़ा फ़नी इंटरटेनमेंट और अच्छा व्लॉग बनाया है तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बताएं, ताकि मुझे लगेगा तो मैं फिर इसी तरह बैकग्राउंड वॉइस देकर इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू रखूँगा और आगे भी नए नए व्लॉग में बैकग्राउंड वॉइस में लेके आऊँगा।